फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है फेस्ट बाय नेहा। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी रागी का पराठा। इसे हम नाचनी के भी पराठे बोल सकते हैं या रागी का भी पराठा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम लेते हैं इस नाप, मेरे पास ये नाप का कटोरा है। इस कटोरे से मैं एक कटोरा या डेढ़ कटोरे के आसपास मैं नाचनी का आटा लूँगी। ये है हमारा नाचनी का आटा या रागी की आटा। इसको हम इसमें डालेंगे और मैं डेढ़ कप के अनुसार से यहाँ ले रही हूँ। ये ऑलमोस्ट डेढ़ कप के अनुसार से है। ये हमारे चार लोगों के अनुसार से ये आटा ये बिल्कुल सही बन जाएगा। चलो मैं इसको दो कप कर दिया। आइए अब हम देखते हैं इसको बनाने का नेक्स्ट प्रोसेस। ये आटा लिया था उसी कटोरे से मैं उसके डबल पानी डालूँगी। वो ऑलमोस्ट दो कप के अनुसार है तो मैं चार कप पानी डालूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कढ़ाई बिल्कुल गर्म है और इसमें मैं इसी कटोरे से चार कटोरे पानी डाल रही हूँ। तीन और एक और कटोरा। इससे हमारा आटा काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अब ये पानी मैंने डाल दिया है। अब इसमें हम उबाल आने का वेट करते हैं। जब पानी अच्छे से उबल जाए उसके बाद हम इसमें कुछ ऐड देख रहे होंगे। अब धीरे धीरे पानी में हल्का हल्का बॉयल आना चालू किया है। इस टाइम पे हम अपने स्वाद के अनुसार से इसमें नमक ऐड करेंगे। जैसा कि ये मैंने नमक ऐड कर दिया। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें हल्का तेल ऐड करेंगे जिससे इस पर काफ़ी अच्छी रोटी बन जाती है। अब हम इसको और बॉयल आने तक का वेट करते हैं। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल या ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। और इसको हम अच्छे से एक बार ऐसे मिला देंगे और इसको और थोड़ा हम बॉयल आने का वेट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे मेरे पानी में एकदम अच्छा बॉयल आ गया। हम इस टाइम तक वेट करेंगे। अब हम इसमें हम ऐड करते हैं जो हमने जो आटा लिया था और हम इसमें वो आटा डालना स्टार्ट करेंगे। डालने के बाद हम ऐसे ऐसे एक बार इसको चलाएंगे। नहीं चलाने पे क्या होता है, उसमें बबल्स आने चालू हो जाते हैं। तो हम इसमें सारा आटा मिलाते हैं और चलाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से मिलाना और तुरंत मिलाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने इसको ऐसे ऐसे चलाना चालू किया। आप फटाफट चलाएं नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से और चलाते चलाते अगर आपको लगे कि इसमें हल्का पानी ज़्यादा हो गया है तो आप चलाने के टाइम में ही थोड़ा और चला लीजिएंगे तो ये पानी सूख जाएगा। इस तरह से हमारा ये आटा एक रेडी हो गया है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा आटा रेडी हो गया है। आप देख रहे होंगे आटा कितना सॉफ्ट और कितना जल्दी बनने को रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे ही चलाएंगे थोड़ी देर और थोड़ा हम वेट करेंगे कि अगर आपको लगे, जैसे ये आपने जितना आटा लिया है अगर आप उससे डबल पानी लेंगे, बिल्कुल डबल, तो आटा आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जैसे ये मेरा आटा बना है। चलिए अब हम आगे के प्रोसेस के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इसके ठंडे होने का। जैसा कि आप देख रहे हैं आटा मेरा बिल्कुल ठंडा हो गया। अब हाथ जल नहीं रहा। इस टाइम मैं इस पराठे को थोड़ा अभी भी थोड़ा थोड़ा भाप निकल रहा है तो बट हम मैं इसको इतना टॉलरेट किया जा सकता है कि थोड़ा गर्म ही रहे। इस पराठे को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं, जैसे अभी ठंडी का सीज़न है तो इसको टेस्टी और थोड़ा पौष्टिक बनाने के लिए मैं इसमें मेथी पत्ता, हल्का सा अदरक, अदरक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने मेथी का पत्ता डाला, थोड़ा अदरक, थोड़ा सा धनिया का पत्ता और ये प्याज और हमारी मिर्ची, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और हम इसको ऐसे ऐसे मिला लेंगे। ये अभी हल्का गर्म है बट थोड़ा गर्म में मिलाते हैं ना तो वो अच्छे से मिल जाती है। अगर आपको लगे ये थोड़ा सा आपके अनुसार से ये थोड़ी गीली है या आप इसको संभाल नहीं पा रहे हैं तो आप इस टाइम पर हल्का सा थोड़ा सा गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। बट मेरा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। ये जस्ट एक टिप था कि अगर आपके साथ ऐसा लगे कि ये थोड़ी गीली हो गई है, मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, तो आप इसमें गेहूं का आटा ऐड करें। इस टाइम में मेरा ये आटा बिल्कुल रेडी है। आइए अब मैं इसको बना के और कैसे बनाते हैं और कैसे पकाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। जब हमारा आटा पूरा अच्छे से तैयार हो जाए तो हम इसको दबा दबा के एक ऐसी लोई बना लेते हैं। ठीक है, लोई बनने के बाद इसमें हम सूखा आटा जो होता है ना वो हल्का लगा देंगे। इससे क्या होगा कि वो हमारे इस बेलने पे जब हम बेलेंगे ना तो वो चिपकेगी नहीं। ठीक है,
मैंने थोड़ा सा जगह एडजस्ट किया इसलिए कैमरा हिला। मेरे चैनल में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये कुकिंग आपके ही किचन में हो रही है, ठीक है। जैसा कि आप फील कर रहे होंगे जैसे नॉर्मल घरों की किचन होती है, बिल्कुल मेरी किचन बिल्कुल वैसी है। आप इसको हल्की हाथों से दबाते 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 एक ऐसी पराठा, हाँ इसका पराठा ना आप थोड़ा मोटा बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगे कि ये टूट गया तो आप ऐसे ऐसे दबा के उंगली से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरा पराठा बिल्कुल गोल और अच्छा बन के रेडी है। आइए अब हम इसको पकाते हैं। पराठों को पकाने के लिए पहले हम एकदम अच्छे से हम अपना तवा गर्म कर लेंगे। ऐसे करके हम चेक भी कर सकते हैं। जब तवा पूरा अच्छे से गर्म हो जाए तो धीरे हाथों से आप इस पर अपना पराठा रख दीजिए और थोड़ा इंतज़ार करिए इसके पकने का, ठीक है। हम थोड़ा एक सा इसको तुरंत मत पलटिए, इसको ज़रा सा हम ना ये अपना धीरे से ना ये अपना एब्जॉर्ब करेंगे ना थोड़ा सा कलर चेंज करती, और हम इस पर यहाँ पे थोड़ा फ्लेम कम कर देंगे कि वो ज़रा सा पक के वो स्टेबल कंडीशन पे आ जाए कि जब हम इसको पलटे ना तो वो टूटे नहीं। और आप इसको बिल्कुल थोड़ा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा हिला सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि जैसे कि ये एक साइड से पक गया है तो बिल्कुल जेंटली मैं अपना इसमें छोलनी डालूंगी और इसको पलटूंगी। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये पक रहा है। पहले हम इसको अच्छे से पकने देते हैं। और रागी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट में है। हमारे साउथ साइड में रागी बहुत खाते हैं, बच्चों को तो इवन बहुत ही खिलाते हैं। इससे हमारे बोन्स भी काफ़ी मजबूत होते हैं और इससे बहुत हाई फाइबर होता है। हाई फाइबर होने की वजह से ये काफ़ी भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसको काफ़ी प्रमोट करते हैं, जैसे रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे की आटे। तो अब हम अपने पराठे को दूसरे तरफ से पलटेंगे। जैसे ही थोड़ा थोड़ा ये ब्राउनिश होने लगे इस मोमेंट पे हम यहाँ पे हल्का सा तेल लगा सकते हैं। अगर आप हाँ और ये अगर आप तेल अच्छा नहीं लगता, अगर आप ये घी के साथ बनाएं ना तो ये बहुत टेस्टी होता है। पर्सनली मैं घी नहीं खाती हूँ इसलिए मैं ये घी नहीं लगाती हूँ। मुझे घी का स्मेल एक अजीब सा, तो बहुत लोगों को होता है कि घी पसंद नहीं होता है, मुझे भी पर्सनली घी नहीं पसंद है। तो मैं जनरली सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ। आप धीरे धीरे आप इसको पलटते रहें और इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए, क्योंकि ये ग्रेन्स जो होता है ना थोड़ा मोटा ग्रेन्स में गिनती होता है तो इसको हमको धीरे धीरे पकाना है। अगर आपको ये सारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये कुकिंग बिल्कुल आपको लगेगा कि आपके घर की कुकिंग और आप अपने किचन में कुकिंग कर रहे हैं, वैसे ही सारी डिशेज मैं बनाती हूँ। और आपको अगर लगे कि मेरे में कुछ कमी हो रही है तो डेफिनेटली मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का, कि आप कमेंट करके बताएं कि नहीं आपने ये गलती किया है, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और आप भी मेरे साथ कुकिंग सीखिए और मैं भी अपने आप को इम्प्रूव करूँ। सो आप इस मोमेंट पे देख रहे होंगे रागी का पराठा अपना रंग छोड़ रहा है। इस पराठे को आप नॉर्मल धनिया टमाटर चटनी के साथ भी खा सकते हैं, सेजवान सॉस के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी, आपको जैसे इच्छा हो आप खा सकते हैं। ये डेफिनेटली बहुत 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 टेस्टी बनती है। सो आप अब देख रहे हैं ये मेरा पराठा पकने पे आ गया और इसकी खुशबू तो औसम, क्योंकि मैंने इसमें मेथी के पत्ते डाले। मेथी के पत्ते डालने से ना इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। तो मुझे लगता है मेरा पराठा रेडी है और मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ कि ये फाइनल टच में ये पराठा कैसा लगता है। तो चैनल पे बने रहिए और कि मेरा ये पराठा बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसको चटनी, सॉस और जो आपको आलू की पतली ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी आती है उसके साथ बना के खा सकते हैं, ये काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर आपको ये पराठे बनाने की रेसिपी ईजी, हेल्दी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगे ये बिल्कुल आपके किचन की कुकिंग है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे ही आपके अपने घर के नॉर्मल किचन से आपको बनाना बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें कैसे बनती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट आप ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।